हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं रेगुलरली स्ट्रेटजीज वगैरह आपके साथ शेयर करता हूं, तो ये वाली वीडियो थोड़ी अलग है। ये वाली वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं गाइस ग्लोबल चैट के बारे में। रिसेंट पास्ट में बहुत डिस्कशन चल रहे थे सोशल नेटवर्किंग में, अलग अलग जगह में ग्लोबल चैट के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहे थे, और पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट में बातें चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ग्लोबल चैट के बारे में मैंने कभी डिस्कस किया नहीं है आप लोगों के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ या फिर बाकी जो भी है यहाँ पर कम्युनिटी में, तो एक बात किया जाए उनके लोगों के साथ, और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ सभी को मिक्स करके तो कुछ डिस्कशंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस कि ग्लोबल चैट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल चैट में बहुत कम ही गेम है जहाँ पर ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप लोकली एंड ग्लोबली इतने सारे प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या फिर उनसे मदद ले सकते हैं। तो सुपर सेल ने बहुत सारे गेम्स में, उनके अगर दूसरों गेम्स में देखेंगे वहाँ पर भी आपको ग्लोबल चैट का ऑप्शन मिलता है। तो सुपर सेल के गेम्स में ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ये ग्लोबल चैट का ऑप्शन। तो गाइस, कैसे हम लोग यूटिलाइज करें इस ग्लोबल चैट को, या फिर कैसे हम इसे मिसयूज कर रहे हैं या फिर अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इस एपिसोड में। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उसी के साथ गाइस, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपके पास कोई भी आइडिया है कि हम ग्लोबल चैट को मिसयूज कर रहे हैं या फिर हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं, आप प्लीज़, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताना। सभी के साथ सभी शेयर करेंगे ये सारी चीज़। अगर आप कमेंट करते हो, कुछ अपने अच्छे आइडिया देते हो, तो बाकी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी वो कमेंट्स चेक करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट्स चेक भी कीजिए। अगर करते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कमेंट्स चेक कीजिए ताकि आपको भी कुछ नया देखने को मिले और सभी के जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बेटर हो ग्लोबल चैट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और थोड़े मोटे डिस्कशन करते हैं कि क्या होना चाहिए बेटर और कैसे हम यूटिलाइज करेंगे ग्लोबल चैट को। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और चलिए अपनी डिस्कशन जो थी ग्लोबल चैट लेकर उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अगर ग्लोबल चैट ऑप्शन में मैं चला हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी थोड़े बातें कर रहे हैं, हाँ ये लोग कर रहे हैं वॉर स्टार्ट वगैरह बातें कर रहे हैं। पर ऊपर में अगर हम लोग चेक करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मैसेज है यहाँ पर सुपर सेल की तरफ से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफेंडिंग मैसेज मत करो, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मत रखो लोगों के साथ, अगर कोई करता है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। और नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है आप मत शेयर कीजिए, ईमेल फोन नंबर एड्रेस वगैरह आप शेयर ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरे को पता है जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे ये वीडियो व्यू कर रहे हैं वो इतना तो स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं या फिर इंटेलिजेंट है, वो कभी नहीं करेंगे ये सब, ठीक है। पर दोस्तों, मिसबिहेव कभी कभी हो जाता है। मैंने बहुत बार चेक किया, आपने भी चेक किया होगा कि बहुत लोग यहाँ पे अव्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैंने बहुत बार चेक किया हुआ है। और उसी के साथ गाइज, ऐसे टाइप्स के भी मैसेज आते हैं कि नीड गर्लफ्रेंड या फिर ऐसे टाइप के मैसेज मैंने भी, ये भी चेक किए हैं। तो होता क्या है बेसिकली, अगर समझ लीजिए हम लोग ग्लोबली चैट कर रहे हैं और मैक्सिमम लोकल के प्लेयर होते हैं, तो हम लोग तो फॉर फन करते हैं, बहुत लोग करते हैं इंटेंशनली करते हैं, पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो करते हैं। बहुत लोग करते हैं फॉर फन, मजाक के लिए करते हैं, पर सबको ये अच्छा नहीं लगता। जो ग्लोबल के बाकी देशों के जो प्लेयर्स होते हैं उनको कभी कभी ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट पढ़ा था गाइस फोरम में, एक थ्रेड बना था, ये थोड़ा पुराना थ्रेड है पर फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में ये चल रहा है, ये ग्लोबल चैट जो हो रहा है वो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। और वो चाहते हैं, वो ये उनकी थिंकिंग है कि इंडिया के लिए एक सेपरेट ग्लोबल चैट बने। मैं इसके खिलाफ हूँ गाइस, मैं इसके खिलाफ हूँ, मेरे को पता है आप लोग भी इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग को सेपरेट ग्लोबल चैट नहीं चाहिए, हम लोग भी सभी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग भी मिलजुल कर रहना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस बीच बीच में हो जाती हैं, बहुत सारे लोग तो इंटेंशनली करते हैं, कोई कोई लोग होते हैं इंटेंशनली करते हैं, कोई कोई लोग होते हैं कि फॉर फन के लिए करते हैं, पर इसका जो रिजल्ट है वो कभी ऐसा कुछ निकलता है। और एक चीज़ गाइस, दो दिन पहले मैं लाइव था ग्लोबल चैट में, मैं थोड़ा चैट वगैरह कर रहा था और मैंने एक बंदे को देखा, वो एक चैट करता है कि अपना व्हाट्सअप नंबर देता है और यहाँ पर बोलता ये है कि मैं अपना अकाउंट बेचना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट करो। तो गाइज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिसलीडिंग भी हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। और जैसे कि सुपर सेल के रूल्स रेगुलेशन है उनके खिलाफ भी है ये अकाउंट्स वगैरह बेचना। तो गाइस, ग्लोबल चैट में ऐसे मैसेजेस मतलब अच्छे नहीं है। अगर आप देखते हो कभी आसपास ऐसे मैसेज, तो अब ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे या फिर क्या करोगे। अगर आपके क्लाइंटमेट्स में कोई भी है जो मज़ा लेता है ऐसे करके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे थोड़ा बताएं कि ऐसा मना करें, क्योंकि देख सकते हैं कि भाई ग्लोबली ऐसा कुछ होता है जब, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया के बारे में ऐसा कुछ एक भी अगर वर्ड कोई यूज़ करता है तो काफ़ी बुरा लगता है। तो गाइज, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि कोई भी ऐसा
चैट्स वगैरह ना ही करें तो बेटर है, ये टाइप के चैट्स की नीड गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि गाइस ग्लोबल चैट एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ा यूनिक एक चैट दिया हुआ है और सुपरसेल के गेम में ये हमें मिल रहा है, तो इसका भरपूर हमें फायदा लेना चाहिए। मिसयूज ऐसे करेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो ऑप्शन है वही हटा दिया जाए सुपरसेल की तरफ से, या फिर ऐसा हो कि इंडिया में ये अवेलेबल ऑप्शन ना रहे, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस वाला एक बटन था, आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत लोग यहाँ पे जानते होंगे कि कॉन्टैक्ट अस बोल के एक ऑप्शन था जो हटा दिया गया है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये चीज़ भी हटा दी जाए, ग्लोबल चैट भी हटा दी जाए, तो ये बहुत बुरा होगा गाइस, ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि ग्लोबली सारे प्लेयर्स के साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं जो कि हम बहुत इंजॉय करते हैं गाइस, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम फॉर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर फॉर कुछ ट्रिप्स टिक्स इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर बहुत सारे हम लोग को इंटरेक्शन करते हैं, हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस वो बढ़ता है हमारा, तो यही ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना, तो कभी किया नहीं था मैंने, कभी मैंने किया नहीं था इससे पहले डिस्कशन ये सारी चीज़ें लेकर, ग्लोबल चैट लेकर, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनता है ग्लोबल चैट के बारे में डिस्कस करना और अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करना कि वो लोग क्या सोचते हैं गाइस, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग अपना रिएक्शन ज़रूर देना कि आपको क्या लग रहा है, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कितने हद तक इससे बिलीव करते हो कि ये ग्लोबल चैट में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या फिर ग्लोबल चैट को और अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और अगर कोई भी आइडिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई भी आइडिया आपके पास कि कैसे हम लोग ग्लोबल चैट को और बढ़िया बना सकते हैं या फिर कैसे उसको और बेटर यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपके पास कोई भी टिप्स है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं, बाकी लोग हैं वो कमेंट्स फॉलो करें या फिर कमेंट्स चेक करें और अपना रिएक्शन दें उसके ऊपर कि आपको क्या लगता है ये जो कमेंट्स ये लोग कर रहे हैं वो अच्छे हैं या फिर नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था गाइस, और एक चीज़ कि ग्लोबल चैट से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ओके कैसे हम लोग ग्लोबल चैट से फ़ायदा ले सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तीन एस्पेक्ट है मेरे पास, मेरे हिसाब से गाइस, आपके हिसाब से भी बहुत सारे होंगे, आपके पर्सनल आपके थिंकिंग होंगे, पर मेरे हिसाब से एक पर्सनल थिंकिंग मेरा भी है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग ग्लोबल चैट्स को यूज़ करके बढ़िया बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स को या फिर अपना जो एक्सपीरियंस है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो तीन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रेडी किए हैं, तीन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे रेडी हुए हैं, तो वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं बहुत कुछ डिस्कशन करते करते बहुत आगे बढ़ गया, पर अगर गाइस आप लोग मेरे साथ एक मत हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये सारी चीज़ें सच में डिस्कशन करने लायक हैं तो प्लीज़ बताना मेरे को, और गाइस फॉर एनी रीज़न आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि अगर आपके क्लाइंटमेट्स में कोई ऐसा बंदा है जो कभी कभी फॉर फन कर देता है ये सारी चीज़ें तो शायद वो ना करें, और गाइस सबसे जाते जाते मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूं गाइस, अपना ईमेल वगैरह शेयर ना करें, क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैंने देखा एक दो यूट्यूबर वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे कि उनके अकाउंट्स हैक हो गए हैं, तो देखिए हैक तो इतना इजीली नहीं होता, पर फिर भी हो सकते हैं कि कोई बढ़िया प्लेयर वहाँ पे बैठा हुआ है जो इतना नॉलेज रखता है साइबर का, साइबर क्राइम का वगैरह वगैरह का, तो हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपकी मेहनत जो है दो तीन सालों की वो बर्बाद हो जाए, तो आप ना ही करें ये सारी चीज़ें तो बेटर हैं, और प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, बाय बाय गाइज, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाने वाला हूँ कि कैसे बेटर तीन तरीके हैं जो आप यूज़ करेंगे तो ग्लोबल चैट से आप काफ़ी अच्छा फायदा ले सकते हैं फॉर क्लाइंट के लिए और पर्सनली खुद के लिए भी, तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहें और जय हिंद। I have you.